मेरा बचपन से जो एक ऑब्जर्वेशन है, मैं वहाँ मेंढा लेखा गांव में, ये पूरे ट्राइबल लोग हैं, देखो वो सब कोया लोग हैं। कोया, हाँ, कोया का मतलब होता है इंसान, इंसान होता है वो। समाज जो है उस आदिवासी तो बहुत सारे है, लेकिन ये समाज जो है कोया समाज, ये कोया समाज जो है ये कुदरत के साथ जीने वाले लोग हैं, जल जंगल जमीन प्राणी पक्षी के साथ। तो उसमें ये हुआ है कि ये तो सामाजिक एक नियम है। अभी ये भी गलती किसका है, वो जब तक मेरा गलती हुआ है सब तब बोलता नहीं, गुन्ना कबूली नहीं होता है, तब तक उनको दंड लागू नहीं होता है। और दंड भी पंच नहीं कहेगा, क्यों आप इतना ही दंड, ऐसा नहीं है। और उनको ही जो झगड़ा किया और गलती आपने तो पता है, और दंड भी कूद पर कूद ही वो करें। तो ये ही है कि भाई अगर दूसरे लोग सुधारने के लिए जाएंगे तो वो सुधारने के लिए जाता है, वो भी बिगड़ गए हैं ना कभी, कैसे उनको सुधारेंगे। स्वयं शासन है ये, यहाँ हिंसा नहीं है, अहिंसा है ये। अगर दूसरे लोग उनको दंड करेगा तो ये अहिंसा है, ये शासन व्यवस्था है। दूसरा जो एक किताब है गांधी जी का, हिंद स्वराज, ये हिंद स्वराज भी, हिंद स्वराज और ग्राम गीता और संत विनोबा भावे का स्वराज्य शास्त्र, ये स्वराज्य शास्त्र, ये सभी का इसमें मैं है। एक ही ये की है कि भाई अहिंसा का मतलब का है हिंसा और अहिंसा। और लोग तो बोलते थे कि भाई आदिवासी लोग जो है संपूर्ण ये हिंसावादी लोग, हिंसा ही करता, तो क्या अहिंसा और क्या अहिंसा ये समाज में ही नहीं आता। अहिंसा का जो क्या है कि उस तरह से थोड़ा, अहिंसा में क्या होता है कि वह एक सामूहिकता आता है, दूसरा है कि थोड़ा निस्वार्थ त्याग और अपमान सहन करने का शक्ति, कितने भी कि कोई भी आदमी मानिए तो अपमान सहन करना, मर जाएंगे लेकिन दूसरों को हटाना नहीं, ये जो मुद्दा है उसका ही एक प्रयोग। हम तो ये सुने थे लेकिन हम उसके कैसे प्रयोग करना, तो वो गोठुल में मेंढा लेखा में हुआ प्रयोग। पहले ऐसे नहीं था, पहले गोठुल था, गोठुल में लोग बैठते थे, लड़की लड़कों ने वहां गोकुल से एजुकेशन देता था, वहां ना गुरु ना चेला, सब गुरु सब चेला, एक दूसरे से सीखते थे। और समाज में क्या क्या करना है, जवाबदारी क्या है, मेरा जिम्मेदारी या कर्तव्य क्या है, ये वहां सब एजुकेशन में पढ़ाई देता था। और काम करते करते ही उनको एजुकेशन था, ऐसा उनका एक था कि सभी एक गांव की व्यवस्था की मतलब स्वयं शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था भी वहां दिखाया जाता है। वो बोला कि दिल्ली और बंबई में हमारी सरकार ठीक है, कैसे ठीक है कि हम चुन के देते हैं इस दिल्ली और बंबई के कारोबार चलाने के लिए, इसलिए हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार नहीं, हमारे गांव में हम ही सरकार, ऐसा उन्होंने बदल दिया। हम ही सरकार क्या है कि हमारे गांव के महिला पुरुष ये तब बैठ के हमारे गांव में क्या करना है, कहाँ रास्ता बनाना है, कौन सा पेड़ लगाना है, वृक्ष लगाना है, हम तय करेंगे, दिल्ली और बंबई वाले नहीं। भारतीय संविधान का मूल भावना जो है वो हम भारत के लोग, क्या कम है कहाँ कम है, हम बोल रहे हैं ना, मैं नहीं हम है। तो ये इसमें होता है कि ये हिंसा जो हो रहा है विषमता के हो रहा है। तो जमीन जो है कोई भी आदमी कोई कंपनी या सरकार निर्माण नहीं किया गया है, पानी भी निर्माण नहीं किया है, जंगल भी निर्माण नहीं किया है, ये प्रकृति संसाधन
प्रॉपर्टी सामुदायिक है, ये सामुदायिक को व्यक्तिगत रूप में जा रहा है, यहां हिंसा बढ़ रहा है। आगे का जो पीढ़ी को अगर सिर्फ हमारे गांव का या हमारे महाराष्ट्र का विचार करके नहीं चलेगी और भारत देश का भी विचार करके नहीं चलेगी। हम भारत के लोग का अर्थ क्या होता है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए भी है, विश्व के लिए है, विश्व हमारे में है, विश्व में हम है।